नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं आपके राशिफल, कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, किस बात का रखना होगा खास ख्याल और कौन सी बात कर सकती है आपको सबसे ज्यादा परेशान। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में सेहत के मामले में सौभाग्य आपका साथ देगा। इस सप्ताह की शुरुआत में ही व्यापारी वर्ग एवं नौकरी पेशा लोगों को राहत मिलने की संभावना है। इस सप्ताह बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इस दौरान बेरोजगार को रोजगार मिल सकता है, साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति का योग बन रहा है। भूमि के रुके हुए कार्य जल्द ही पूर्ण होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और लव पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय होगा। बात करें वृष राशि के जातकों के बारे में तो यह सप्ताह आपके लिए ऊर्जा देगा। आप में इस सप्ताह नए नए कार्यों को करने को लेकर विचार आएंगे या फिर कहें कि उसे शुरू करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही घर में लोग आपके निर्णय की प्रशंसा करेंगे जिससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छे से कटेगा। साथ ही आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन किसी भी बड़े कदम को भावनाओं में बहकर उठाने से बचें। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आप सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं। मिथुन राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत थोड़ा संभल कर चलें। नए योजनाओं के बनने और उसे पूरा करने से पहले एक बार फिर से विचार कर लें, हो सके तो उसे अभी के लिए चाल दें। साथ ही अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो इसके लिए आप बड़े लोगों से या फिर उस विषय के जानकार से जरूर बात करें। व्यर्थ के कार्यों में समय ना दें। अगर आप छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। परीक्षाओं में सफलता का संयोग बन रहा है। प्रेम संबंधों में विश्वास की डोर को टूटने ना दें, नहीं तो पछतावा हो सकता है। आप धार्मिक कार्यों में भाग लें, मन नकारात्मक विचारों की तरफ नहीं जाएगा। यह सप्ताह कर्क राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके अभिन्न मित्रों की मदद से लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे। सत्ता सरकार से लाभ मिलने के पूरे योग हैं। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। अनजान लोगों से मित्रता करने से पहले एक बार ठहर कर विचार जरूर कर ले। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। हालांकि सप्ताह के अंत में सेहत की चिंता थोड़ा परेशान कर सकती है। सप्ताह के मध्य में मन की बजाय वृद्धि से लिया गया निर्णय ज्यादा लाभकारी साबित होगा। अनजान लोगों से मित्रता करते समय सावधान रहें और प्रेम प्रसंग में दिखावा करने से बचें, अन्यथा मुश्किल में आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। हालांकि सप्ताह के अंत में जीवन साथी की सेहत की चिंता भी सताएगी। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने समय का खूब प्रबंधन करना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी जिह्वा पर थोड़ा नियंत्रण रखें, सिर्फ पेट के लिए ही नहीं बल्कि अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए भी, क्योंकि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। आपको अपना घर चलाना हो या फिर ऑफिस, दोनों ही स्थिति में सामंजस्य बैठाना होगा। आप अपनी जीवा पर नियंत्रण रखें, नहीं तो पेट संबंधी समस्या हो सकती है। आप अपने शुभ चिंतकों या फिर कहें अच्छे मित्रों की सलाह को नज़रअंदाज ना करें। प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचें और सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाएं। जीवन साथी की जरूरतों की अनदेखी ना करें। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को अपने सौभाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने जूनियर्स का सहयोग ले सकते हैं। साथ ही आपको अपने सीनियर्स भी आपके काम की तारीफ करेंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार में बेहतर अवसर मिल सकता है। इस सप्ताह आप धार्मिक कार्यों के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। इस दौरान व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। खासकर छोटे व्यवसायिकों को इस दौरान लाभ होने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही करने से बचें, अन्यथा आपकी तबीयत रंग में भंग डालने का काम कर सकती है। तुला राशि के जातक इस समय अपने नए कार्यों पर थोड़े दिनों के लिए विराम दे सकते हैं और इस दौरान आप अपने आप को समीक्षा कर सकते हैं।
आर्थिक प्रबंधन से ही आपको मन की शांति मिल सकती है। इस दौरान आप किसी के बहकावे में आकर कोई गलत काम ना करें। अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रखें। आय और व्यय समान बने रहने के कारण पुराने कर्ज परेशान कर सकते हैं। ऐसे में धन खर्च करते समय अति आवश्यक कार्य को भी प्राथमिकता दें। प्रेम प्रसंग के मामले में बचे, व्यर्थ के विवादों से भी बचे। दाम्पत्य जीवन में भी आपको हैंडल विद केयर की बात को याद रखना होगा। आप अपनी समझदारी चीजों को संभालने में कामयाब हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि आपको घबराने की बजाय आपदा में अवसर ढूंढने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में यदि आप जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निर्वहन करने में कामयाब होते हैं तो यह भविष्य में आपके पद एवं साख को बढ़ाने का कारण बनेगी। हालांकि घर हो या ऑफिस, किसी स्त्री के चलते आपको मानसिक पीड़ा हो सकती है, अतः स्वयं को किसी भी वाद विवाद से दूर रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार को लेकर सही दिशा में प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। कठिन समय में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। धनु राशि के जातकों की जिंदगी आने वाले दिनों में आसान होगी। आने वाले दिनों में आपको खुशियां मिलेगी। आर्थिक स्थिति में अपेक्षित वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य में सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों में व्यवसाय में वृद्धि होगी। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। अगर रिजल्ट आने वाला है तो यह समय आपके लिए सुखद होगा। सत्ता सरकार से लाभ के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय व्यतीत करेंगे और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह सेहत और संबंध दोनों में खास प्यार मिलने वाला है। आप अपनी वाणी में मिठास लाएं। आने वाले दिनों में परिजनों के साथ विवाद होने की संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य में आप लंबी या फिर मध्यम दूरी की यात्रा पर निकल सकते हैं। व्यापारी वर्ग एवं नौकरी पेशा लोगों के लिए कंपटीशन बना रहेगा। इस सप्ताह आप अपने मित्रों या सहयोगियों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें, अन्यथा धोखा हो सकता है। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की जल्दबाजी उचित नहीं होगी, अन्यथा बनती बात बिगड़ जाने का हमेशा अफसोस रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी के साथ रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में मित्रों का सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए कभी धूप तो कभी छांव यानी सुख दुख का माहौल रहेगा। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों को छात्रों के लिए यह समय मध्यम रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से उजड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपकी खुशियों में खलल डालने का काम कर सकती है। दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाए रखने के लिए जीवन साथी के लिए समय जरूर बिताएं। मीन राशि के जातकों को एक साथ कई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कारोबार में आपको अपेक्षित लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी बड़े योजना में धन निवेश कर सकते हैं जिससे भविष्य में लाभ की संभावनाएं बनेंगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। इस सप्ताह आपके घर में किसी प्रियजन के आने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। आप लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आने वाला दिन आपका सामान्य रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।